वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ स्थित अपने आवास कालिदास मार्ग से कोविड प्रबंधन के संबंध में बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से चिकित्सालयों में बेड, ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता, पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति, प्रवासियों के लिए की गई व्यवस्था, स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन, आंशिक कर्फ्यू एवं साप्ताहिक बंदी, कंटेनमेंट जोन, मास्क की अनिवार्यता सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की। गोरखपुर के आयुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीआईजी प्रतिंदर सिंह, डीएम के विजयन पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, एडी हेल्थ प्रभारी, सीएमओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री महोदय का, सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगणों का, माननीय मुख्य सचिव महोदय का, डीजीपी साहब का और सभी जो प्रशासनिक अधिकारीगण अलग अलग जनपदों में बैठे हैं उनका स्वागत करता हूँ। अभी कोविड के संबंध में आप सभी के प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो कोविड के जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। टेस्टिंग की संख्या में भी आप सभी लोगों के सहयोग से बहुत ही रिकॉर्ड टेस्टिंग के आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 10 तारीख तक प्रातः सोमवार तक के लिए आंशिक कर्फ्यू की घोषणा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं के ऊपर आप सभी का, हम सभी का मार्गदर्शन किया, निर्देश दिए गए, हम सभी उनका अनुपालन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि सभी को मार्गदर्शन बनाए। लगभग 20 दिन पहले मैंने सभी फील्ड में तैनात अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति को लेकर के एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उस समय मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया था कि हमारी क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए। लेकिन उस सब के बावजूद बहुत सारे जनपदों ने अच्छी तैयारियां की, उन जनपदों की तैयारियां अभी भी कमजोर हैं और उसमें अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है। मुझे आश्चर्य होता है कि आपदा के इस कालखंड में भी अगर कोई लापरवाही करता है। मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में पिछली बार बहुत स्पष्ट कहा था, जो क्राइसिस आज जनपदों, वह बार बार कहने के बावजूद भी बहुत सारे जनपदों में उसमें सुधार नहीं हो रहा है। बहुत सारे सीनियर अधिकारी फील्ड में निकल ही नहीं रहे, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। हॉस्पिटल की भी स्थिति यही है, हॉस्पिटल में सीनियर जो फैकल्टी है मेडिकल कॉलेजेस में उनके राउंड नहीं हो पा रहे, जबकि मैंने विगत वर्ष ही इस बारे में सबसे कहा था